जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर काकोड़ी में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल की ओर दौड़ी और मामले की जांच शुरू की। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव काकोड़ी में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके पश्चात मौके पर पुलिस बल भेजा गया है जो मामले की जाँच कर रहा है। भट्टे पर काम करने वाले मुनीम गौरख कुमार ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। ये बंगाली रहते थे, अब रात पता नहीं क्या करके चला अपना, मतलब मार चला गया, राशि गायब है। सुबह हम तो क्या कभी निकासी कर, जब 8:30-9 के करीब का टाइम हो रहा, जब वहाँ लड़की लोटी पहुँची है, उसकी भैया भाभी आए हैं, उन्होंने देखा, जब बताइए जब बंगाल के इसका लड़के का विष्णु है, उसका प्रतिमा लिखा है। मृतका की शिनाख्त 26 वर्षीय प्रतिभा पत्नी विष्णु के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 साल पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण लाओ निवासी प्रतिभा की शादी विष्णु के साथ हुई थी। दोनों भट्टे पर काम करते थे, जहां बने कमरों में बीती रात किसी बात को लेकर प्रतिभा और विष्णु में कहासुनी हो गई। गुस्से में विष्णु ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी प्रतिभा को मौत के घाट उतार दिया। मृतका की दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग खड़ा हुआ। ASP का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चंदरपुर काकोड़ी गांव में काकोड़ी भट्टा है, जहां दो भट्टे मजदूर हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे थे यहाँ, प्रतिमा और विष्णु। तो विष्णु ने रात्रि में प्रतिमा की हत्या कर दी है किसी मोटे हथियार से गर्दन पे मारकर, और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। विष्णु कहीं फरार हो गया है। विष्णु का ही भाई जगन इस घटना के बारे में बयान कर रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी।